करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी गाउट ड्रग्स। क्या हो सकती है डेफिनेशन? द ड्रग्स विच आर एक्टिंग अगेंस्ट द गाउट, गाउट को ट्रीट करने वाले ड्रग्स। तो गाउट क्या होता है? तो इमेज में देख के क्या आप कुछ डेफिनेशन बना सकते हो खुद से? कोशिश करो। डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन दी जॉइंट्स। करेक्ट। चलो लिखो, गाउट डैश, गाउट डैश डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बिटवीन द जॉइंट्स, बिटवीन द जॉइंट्स विच कॉजेस ट्रिमेंडस इंफ्लेमेशन, विच कॉजेस ट्रिमेंडस इंफ्लेमेशन, ट्रिमेंडस इंफ्लेमेशन। तो गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल हमारे जॉइंट के बीच में आके बैठ जाता है और बहुत सारा इंफ्लेमेशन क्रिएट करता है। उसे हम कहते हैं गाउट। इसका दूसरा नाम है गाउटी अर्थराइटिस। लिखो, गाउटी अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस। मुझे स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, TY या TI, वो चेक कर लेना, गाउटी अर्थराइटिस। ओके, अभी अर्थराइटिस ये जो वर्ड है इसका सिंपल लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है या हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जॉइंट जॉइंट पेन। चलो लिखो, अर्थराइटिस डैश जॉइंट पेन, अर्थराइटिस डैश जॉइंट पेन। ऐसा ही कोई अर्थराइटिस इससे पहले आपने सुना था पिछले कुछ लेक्चर में, कोई बता सकता है वो कौन सा था? रूमेटाइड हाँ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्यों होता है, रीजन क्या है उसके पीछे और अफेक्ट कौन होता है? आवर ओन बॉडी इम्यून सिस्टम। करेक्ट। हमारी ओन इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि वो कुछ ऐसा कंसिडर कर लेती है कि आपके बॉडी का नेचुरल केमिकल एज एन फॉरेन एंटिटी काम कर रहा है, वो आपके बॉडी के बाहर से आया है एंड आपके बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। ऐसी सोच हमारी इम्यून सिस्टम कर लेती है एंड हमारे ही बॉडी सिस्टम के ऊपर अटैक करने लगती है। दैट इज नथिंग बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस। कैन आई से इट इज ऑटो इम्यून डिसीज? इज इट ट्रू? यस सर। यस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर एंटी गाउट ड्रग्स? ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय यूरिक एसिड डिपोजिशन इन द जॉइंट्स एंड ऑल्सो प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। ऐसे ड्रग्स जो गाउट की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे कम कर देते हैं, पहली चीज, एंड दूसरी चीज, यूरिक एसिड का सिंथेसिस किसी तरह से रोक देती है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड जब तक सिंथेसाइज होगा तब तक जॉइंट में गाउट होगा और जॉइंट में यूरिक एसिड का डिपोजिशन होगा तब तक पेन होगा। अगर हम ये यूरिक एसिड का सिंथेसिस रोक दे तो पॉसिबिलिटी क्या है, आपके जॉइंट्स के बीच में वो जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल का जो डिपोजिशन हो रहा था वो किसी तरह से कम हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। बट ये यूरिक एसिड हमारे बॉडी में आता कहाँ से है? मैं आपको तीन ऑप्शन दूंगा, इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। ओके, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म्स यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स जनरेट्स यूरिक एसिड, एंड ऑप्शन नंबर 3, डीएनए एंड आरएनए मेटाबोलाइज टू फॉर्म यूरिक एसिड। अमाइनो एसिड और कोई? सर, लास्ट ऑप्शन। और कोई? अर्जुन को नहीं आए? जला अजुन एखादा ऑप्शन मांडायचा आहे। ओके,
थर्ड वाला ऑप्शन. यस चलो लिखो. मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड जनरेट्स. मैंने न्यूक्लिक एसिड वर्ड इसके लिए नहीं दिया, अगर मैं वो देता तो आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर पाते. तो न्यूक्लिक एसिड में कौन आता है? डीएनए एंड आरएनए. और जब डीएनए एंड आरएनए मेटाबोलाइज हो जाता है तब उससे बनता है यूरिक एसिड. राइट डाउन. डीएनए एंड आरएनए मेटाबोलाइजेस. डीएनए एंड आरएनए मेटाबोलाइजेस टू फॉर्म यूरिक एसिड. टू फॉर्म यूरिक एसिड. अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना है. आप सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी खाते हो उसमें डीएनए और आरएनए कहां से आया? हम तो जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, इसकी बात करते हैं. तो डीएनए और आरएनए क्या आप बॉडी बाहर से कंज्यूम करते हो, या आपके बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डीजनरेट होने के बाद भी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कर सकते हैं? एनी आइडिया अबाउट इट? अब लगाओ दिमाग. आपकी हिंट है सेल. अब सोचो क्या हो सकता है. मान लो आपने मेथी की सब्जी खा ली, क्या मेथी के सब्जी में डीएनए एंड आरएनए नहीं है? कंफ्यूजन कंफ्यूजन. मेथी के सब्जी में सेल्स है या नहीं ये बता दो पहले. अरे बापरे. एक मिनट, माझा आवाज सगळ्यांपर्यंत येतोय ना? क्लियर आहे ना आवाज? येतोय ना? नाही तर असं नको व्हायला, मी बोलतोय आणि क्वेश्चन तुम्हाला समजतच नाही. हॅलो, सॉरी, तुमचा कोणाचा रिप्लाय आवाज येतोय? हा येतोय येतोय. व्हेरी गुड. हा, मेथीच्या भाजीमध्ये सेल्स असतात की सेल्स नसतात हा माझा मुळात प्रश्न आहे. इथून पहिला आपण क्लिअर करू मग पुढे जाऊ. अरे सिंपल सी बात है, प्लांट सेल्स के बारे में सुना है या नहीं? एनिमल सेल तो आप सुन चुके हो. अगर आप चिकन, मटन, मच्छी ऐसी कुछ चीजें खाते हो तो वो एनिमल सेल का पार्ट हो गए, राइट? और आप वेजिटेबल खाते हो तो उसमें प्लांट सेल का पार्ट आने वाला है. और दोनों सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों सेल में डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट है. अगर आप वो चीजें खा रहे हो तो आपकी बॉडी उनको भी मेटाबोलाइज करती है ना, तो वहां से यूरिक एसिड बनेगा ना. इसमें इतना क्या सोचना है? ठीक है ठीक है, बोलिया था अपन पुढे पुढे काही प्रश्न विचारे मी. बेसिक किती क्लियर आहे? अरे एनोटेशन नका करू बाबांना, होल्ड ऑन. डिसेबल. ठीक है चलो, अभी थेरेपी के और बढ़ते हैं कि गाउट तो हो गया. तो गाउट कितने टाइप के है? दो टाइप के गाउट है. एक होता है एक्यूट गाउट, दूसरा होता है क्रॉनिक गाउट. एक्यूट माने वॉट और क्रॉनिक माने व्हाट, थोड़ा आप बता पाओगे? फिर मैं बताऊंगा. सर क्रॉनिक लॉन्ग टाइम के लिए होता है. परफेक्ट. एक्यूट के लिए होता है. करेक्ट. अगर आपको कुछ पेन हो रहा है एंड बहुत छोटे समय के लिए हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्यूट इंफ्लेमेशन. फॉर एग्जांपल, आपको मान लो चीटी ने काट लिया उंगली के ऊपर, ओके, फिंगर के ऊपर. जैसे ही काटती है आपको वो पेन कब तक रहेगा? ज्यादा से ज्यादा एक दिन, ठीक है. लेकिन अगर आपको ऐसी कोई चीज काट देती है जिसकी वजह से वो पेन आपके साथ लंबे समय तक रहता है, तब वो पेन रहेगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. सो दैट इज द शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक. तो एक्यूट गाउट के लिए ड्रग्स अलग होंगे, क्रॉनिक गाउट के लिए ड्रग्स अलग होंगे. एक्यूट गाउट मतलब वॉट? छोटा इन्फ्लेमेशन, गाउट की वजह से होने वाला छोटा इन्फ्लेमेशन. एंड क्रॉनिक गाउट मतलब वॉट? आपको एक्यूट गाउट हो चुकी है, अभी उसका जो पेन है वो लंबे समय तक चल रहा है, तो उस एक्यूट गाउट का कन्वर्जन लॉन्ग टर्म पेन में जब होता है तो अब उसे हम कहते हैं
क्रॉनिक गाउट, और ये किसकी वजह से होता है? हाइपर यूरेसेमिया। इसका डेफिनेशन आप क्या करोगे? हाइपर यूरेसेमिया। कोशिश करो। हाइपरटेंशन, इंक्रीज इन प्रेशर, हाइपर यूरेसेमिया, क्या होगा डेफिनेशन? इंक्रीज इन इंक्रीजिंग यूरिक एसिड। करेक्ट। चलो लिखो, एक्सेसिव लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, एक्सेसिव लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज हाइपर यूरेसेमिया। तो जब भी आप कोई वर्ड पढ़ोगे ना, उसे दो पार्ट में तोड़ना है। हाइपर टेंशन, टेंशन माने प्रेशर, हाइपर माने ज्यादा। हाइपो टेंशन, हाइपो माने कम, टेंशन माने प्रेशर, ठीक है? तो यहाँ पे हाइपर यूरेसेमिया, हाइपर माने ज्यादा, यूरेसेमिया। तो पिछले स्लाइड का रेफरेंस ले लो, यूरिक एसिड की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक्सेसिव लेवल किसकी होने वाली है? यूरिक एसिड की। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो एक्यूट गाउट का स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या कहता है? एक्यूट गाउट मैनिफेस्ट्स एज अ सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर इन्फ्लेमेशन इन द स्मॉल जॉइंट ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ द यूरेट क्रिस्टल इन द जॉइंट स्पेस। तो आपकी जो जॉइंट स्पेस है, दो जॉइंट के बीच में जो स्पेस होती है, दो बोन्स के बीच में जो स्पेस होती है, उसमें कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, और जैसे ही वो डिपॉजिट होने लगेंगे, वो क्या करेंगे, आपके दोनों बोन्स के साथ एक ऐसी इंटरेक्शन करेंगे जिसको हम कहते हैं स्मॉल फ्रिक्शन, विच लीड्स टू इंफ्लेमेशन। अभी आप मुझे बताओ, दो बोन्स के बीच में जो गैप होती है वो जरूरी क्यों है, एंड अगर ना हो तो क्या हो सकता है? मूवमेंट। ओके, मूवमेंट। अजून कोण लगाई सांगायचं? ठीक है, देखो जब तक आपके दो बोन्स के बीच में गैप नहीं होंगे, तब तक आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा सकती। अगर आपको उंगलियों को मोड़ना है, तब आपके आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बोन को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तभी तो जाके उंगलियां मुड़ेगी। तो ये मुड़ना कब पॉसिबल है? जब दोनों के बीच में गैप होगा। तो अगर आपकी इंडेक्स फिंगर ले लो, उसमें अगर दो बोन्स है और दोनों एक दूसरे के साथ फर्मली अटैच्ड है, तो आपकी उंगली कभी मुड़ेगी ही नहीं। और उसके बीच में फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूड। और साइनोवियल फ्लूड क्यों जरूरी है? क्योंकि वो क्या करता है, उन दोनों बोन्स को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द फ्रिक्शन, एज वेल एज वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उस बोन के ऊपर जो प्लेट होती है, जो प्लेट इसेंशियल है फॉर दी मूवमेंट एज वेल एज प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रिक्शन। तो जो फ्लूड है एंड जो स्पेस है, वो हमें मूवमेंट करने के लिए मदद करती है। अब मान लो वो जो स्पेस है, वहां पे अगर कुछ अटक गया तो क्या होगा, बोन वन एंड बोन टू दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, एंड दैट फ्रिक्शन विल लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। अगर ये छोटे समय के लिए है एंड बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में है, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट गाउट, जिसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, आपका जॉइंट रेड दिखने लगेगा, स्वेल हो जाएगा, एक्सट्रीमली पेनफुल सेंसेशन क्रिएट करेगा, एंड उसके लिए आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे कि अगर आप में से किसी को किडनी स्टोन का अटैक आया होगा, तो उसे पता है, इवन मुझे भी आया था। लास्ट ईयर फाइनल ईयर की एग्जाम थी और मुझे पेपर रिलीज करने थे, और पेपर रिलीज करने के 15 मिनट पहले वो किडनी स्टोन का अटैक आया। इससे पहले इतना पेनफुल सेंसेशन मैंने कभी महसूस नहीं किया था, मेरी हालत एकदम खराब हो गई थी। तो अभी मैं समझ सकता हूँ कि इट रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट मीन्स व्हाट, कि जहाँ पे पेन की इंटेंसिटी ऐसी होती है कि आपका खुद के ऊपर से कंट्रोल चला जाता है, आप नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकते, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। चलो तो इसके लिए मैकेनिज्म क्या है कि इन्फ्लेमेशन होता कैसे है? एन एक्यूट अटैक ऑफ द गाउट इज स्टार्टेड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द साइनोवियल फ्लूइड। जैसे जैसे आप, हाँ अभी यहाँ पे एक पॉइंट आने वाला है, देखो यूरिक एसिड आपके ब्लड में क्यों रुका हुआ है, ये मेरा सवाल है, और उसके उसके लिए मैं कुछ रीजंस देता हूँ। रीजन नंबर वन, आपका पैनक्रियास खराब हो चुका है। रीजन नंबर टू, आपके लंग्स खराब हो चुके हैं। रीजन नंबर थ्री, आपका लिवर काम नहीं कर रहा है। रीजन नंबर फोर, आपकी किडनी काम नहीं कर रही। व्हाट विल बी द ऑप्शन?
सोचो, लगाओ दिमाग। सारी ऑप्शन फिर से बोलूं, पैनक्रियाज, लिवर, लंग्स एंड किडनी, इन चारों में से कौन सा ऑर्गन अपना काम बंद कर देता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपके ब्लड में ही रहता है, ब्लड से बाहर नहीं जा पाता। किडनी सिंपल सी बात है, किडनी राइट। देखो, पैनक्रियास का काम क्या है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना, ये सबको क्लियर है। लंग्स का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना। लीवर का काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग। तो बाकी कौन बचा, किडनी। किडनी के साथ कौन कनेक्शन में मैंने बोला, ब्लड। ब्लड और किडनी का कोरिलेशन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एंड स्लाइड नंबर 1 में मैंने क्या बोला, यूरिक एसिड आपके बॉडी में आया कहाँ से। आप जो सब्जी खा रहे हो, जो भी नॉनवेज आइटम खा रहे हो, उसमें कुछ सेल्स है, उससे डीएनए आरएनए आपके बॉडी में आ रहा है, तो उसका मेटाबॉलिज्म हो के यूरिक एसिड बन रहा है। तो यूरिक एसिड एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो आपकी किडनी अगर अच्छे से काम नहीं करेगी, या आप इतना कुछ खा रहे हो जिसमें यूरिक एसिड बहुत, यूरिक एसिड को सिंथेसाइज करने वाले कंपोनेंट ज्यादा है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है आपको एक्यूट सिम्टम्स ऑफ द गाउट दिख सकते हैं। तो एक्यूट अटैक में क्या होगा, प्रिसिपिटेशन ऑफ दिस यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन दिस साइनोवियल फ्लूइड। पहले स्टेज में थोड़ा थोड़ा यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगेगा, उसके आगे क्या होगा, ऑन बीइंग एनगल्फ बाय द साइनोवियल सेल्स दे रिलीज द मीडिएटर्स एंड स्टार्ट एन इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसको समझने के लिए हम कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी कोरोना वायरस आपके बॉडी में आता है, आपकी बॉडी पहले क्या करेगी, उसे आइडेंटिफाई करेगी एंड उसके अगेंस्ट फाइटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगी, ये सबको पता। सिमिलरली साइनोवियल फ्लूइड एक नरिशमेंट एनवायरनमेंट है, उसमें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उस फ्लूइड में कुछ ऐसे डिफेंसिव सेल्स हैं जो देखते हैं क्या इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या कोई ऐसा डैमेजिंग एजेंट है क्या जो डैमेज को एंड मुझे सॉरी बोन्स को एंड मुझे डैमेज कर सकता है। तो साइनोवियल फ्लूइड में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं हमारी इम्यून सिस्टम के जो फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल कौन है, यूरिक एसिड। जैसे ही यूरिक एसिड साइनोवियल फ्लूइड में आता है, साइनोवियल सेल्स तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसे मार सके। तो वो क्या करेंगे, उसे बेवकूफ बनाएंगे, उसके साथ बातें करेंगे, पार्टी करेंगे, और तब तक एक मैसेज दे देंगे हमारे मेन इम्यून सिस्टम को। तो मेन इम्यून सिस्टम क्या करेगी, तुरंत वहां पे एंटीबॉडी की आर्मी बनाएगी और एंटीबॉडी ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स द जॉइंट। तब तक ये पार्टी कर रहा है, राइट। जैसे ही इम्यून सिस्टम वो पार्टी में एंटर करेंगे, साइनोवियल सेल्स हाथ छोड़ देंगे और पीछे चले जाएंगे, और सेंटर में कौन बचा है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल। फिर यूरिक एसिड क्रिस्टल वर्सेस एंटीबॉडीज दोनों की फाइट होगी, और इस फाइट में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, आप बताओ। सोचो, अभी गाउट के बारे में सोचना है, पहली इमेज पहली स्लाइड को याद करो। ओके, फिर से सुनना है क्या हुआ। देखो, साइनोवियल फ्लूइड एक नरिशमेंट एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ फाइटिंग सेल्स है। अभी फाइटिंग सेल्स का काम क्या होता है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसके अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करना। जैसे ही यूरिक एसिड का डिपोजिशन थोड़ा थोड़ा साइनोवियल फ्लूइड में होने लगता है, ये साइनोवियल सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां पे जाके उस यूरिक एसिड को पकड़ लेते हैं और उसके साथ बातचीत होती रहती है। तब तक साइनोवियल सेल को पता है कि मैं इसे नहीं मार सकता, मुझे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वो एक मैसेज इम्यून सिस्टम को देता है कि भाई तू जल्दी से आ जाएगा। तब तक इम्यून सिस्टम अपनी पूरी आर्मी गेम डी, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये एंटीबॉडीज आपको पता है, इवन दो WBC, इन सबको वो मैसेज देता है कि आप आ जाओ। जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं तो साइनोवियल सेल्स क्या करेंगे, उनका हाथ छोड़ देंगे, जितना भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स वहां पे बचा हुआ था। जैसे ही वो पीछे हट जाएंगे, तो लड़ाई के लिए दो ही चीजें यहाँ पे हैं अभी, एक है यूरिक एसिड क्रिस्टल, दूसरी और है इम्यून सिस्टम। दोनों की फाइट अगर हो रही है और वो जिस जगह पे हो रही है, तो वहां पे इफेक्ट किसके ऊपर क्रिएट होगा, बॉडी के जॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिक एसिड कहाँ पे है, सिंपल के ऊपर, जॉइंट ना, सिंपल, जॉइंट के ऊपर, क्योंकि जॉइंट के बीच में स्पेस छोटी है और वहां पे अगर फाइट हो रही है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा जॉइंट के ऊपर। एंड दैट्स द रीजन कि क्यों गाउट में हमारी इम्यून सिस्टम भी इन्वॉल्व है फॉर द इन्फ्लेमेशन।
अब इससे आगे क्या हो सकता है, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड। पहले तो मीनिंग लिखो, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स डैश, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स डैश द सेल्स, द इम्यून सेल्स, सॉरी, द इम्यून सेल्स माइग्रेट्स, द इम्यून सेल्स माइग्रेट्स टूवर्ड्स द इन्फेक्शन, द इम्यून सेल्स माइग्रेट्स टूवर्ड्स, द इम्यून सेल माइग्रेट्स टूवर्ड्स साइट ऑफ इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल। अब यहां पे क्या होता है, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड। अभी कीमोटैक्टिक फैक्टर्स माने आपके ग्रैन्युलोसाइट्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, इनमें से फैगोसाइटिक कौन है? न्यूट्रोफिल्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैगोसाइटोसिस? बैक्टीरिया इन सेल ईटिंग, इंगल्फशन ऑफ बैक्टीरिया। करेक्ट, इंगल्फमेंट ऑफ द और कंजम्पशन ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। अब क्या होगा, साइनोवियल सेल्स ने एक मैसेज दे दिया था इम्यून सिस्टम को, तब तक आर्मी रेडी है, राइट? तो ये जो बीच में के जो स्टेप्स है, जो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया फाइटिंग मैकेनिज्म के, वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे ही वो मैसेज इम्यून सिस्टम के पास चला जाता है, तो वो मैसेज आने की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम WBCs को एक्टिवेट कर देती है, और जैसे ही WBC एक्टिवेट हो जाती है, तो एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स का माइग्रेशन होता है टुवर्ड्स द जॉइंट। तो ये हमारे एक्चुअल में फाइटर्स हैं, जो जॉइंट की ओर मूव हो जाएंगे जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और वो क्या करेंगे, तुरंत उन यूरिक एसिड क्रिस्टल को एंगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे, एंड दे विल रिलीज ग्लाइकोप्रोटीन विच एग्रीवेट्स द इन्फ्लेमेशन। और वहां से वो जो ग्रैन्युलोसाइट से वो एक ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज करेंगे। अभी ग्लाइको एंड प्रोटीन दो मॉइटी है यहाँ पे, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें ग्लूकोज भी है एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल भी है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, एंड दैट विल एग्रीवेट द इन्फ्लेमेशन बाय इंक्रीजिंग लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम इंफ्लेमेटरी सेल्स विच कॉजेस डिक्रीज इन pH एंड मोर यूरेट एसिड क्रिस्टल्स आर प्रेसिपिटेटेड इन द अफेक्टेड जॉइंट। तो इसका सीक्वेंस क्या है, पहले तो चीज हमारे साइनोवियल फ्लूड में यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगे, साइनोवियल सेल्स ने एक मैसेज दे दिया इम्यून सिस्टम को, कोई तो बाहर का बंदा आ चुका है, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में WBCs का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। ये WBCs जब एंटर हो गए साइनोवियल फ्लूड में, तो उन्होंने तुरंत यूरिक एसिड क्रिस्टल को खा लिया, और वहां से उन्होंने रिलीज किया ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, हमारे इंफ्लेमेटरी सेल्स को बोल के लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, और जैसे ही लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इट विल डिक्रीज द pH। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या आपको पता है, कम एसिडिक pH में, मतलब 5, 4, 3, 2, 1, उस केस में आपका कोई भी फॉरेन एजेंट ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे फॉरेन एजेंट किसको लेना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारी इंफ्लेमेटरी, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए बनी हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो पीएच में जिंदा नहीं रह सकता, तो हमारे इम्यून सिस्टम ने उस यूरिक एसिड क्रिस्टल को कंसिडर किया है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसे अगर मारना है तो हमें पीएच को कम करना पड़ेगा, और पीएच को अगर कम करना है तो हमें एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो वो कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। और जैसे ही पीएच कम होगा तो यूरिक एसिड क्रिस्टल का प्रिसिपिटेशन और बढ़ेगा, क्योंकि कम पीएच में यूरिक एसिड ज्यादा डिजॉल्व स्टेट में नहीं रह सकता, तो उससे बीमारी और बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, रिलीजिंग लाइसोजाइम एंजाइम व्हिच कॉजेस जॉइंट डिस्ट्रक्शन।
उसके साथ लाइसोजाइम भी रिलीज होगा, और वो क्या करेगा, लाइसोजाइम आपको पता है दीज आर दी सुसाइडल बैग्स, कि वो आपके सेल को डैमेज कर देते हैं, भले ही वो आपकी अपनी हो या दूसरे की हो। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, पीएच भी कम हो रहा है जिसकी वजह से यूरिक एसिड क्रिस्टल का डिपोजिशन और बढ़ रहा है, एंड दूसरी चीज लाइसोजाइम का रिलीज होने की वजह से वो हमारे जॉइंट पे ही अटैक कर रहा है। सो ये पूरा रीजन है कि एक्यूट अटैक में इंफ्लेमेशन क्यों होता है। एंड क्रॉनिक की अगर बात करें तो ये साइकिल अगर रिपीटेटिव बहुत लंबे समय तक चलता रहे तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक इंफ्लेमेशन। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है, मैकेनिज्म कैसे होता है, या किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछो। नथिंग, ठीक है, चलो उड़ जाओ। ओके, हाँ ये डेफिनेशन लिखो, कीमोटैक्सिस द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और एंटिटी और द सब्सटेंस इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। होने के बाद बता देना। डन, यस सर। ओके, अभी इंपॉर्टेंट बात, क्या कीमोटैक्सिस आपके लिए भी एप्लीकेबल है? इज इट पॉसिबल एज एन ह्यूमन बीइंग, कभी करते हो आप ऐसा? आपके लिए हिंट है सेंसरी ऑर्गन्स। चलो देखो डेफिनेशन पे पढ़ के एक आध एग्जांपल आप दे सकते हो, मुझे कुछ याद आया इसके लिए बोल रहे हैं। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बोला है, एक्चुअल में यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए था, लेकिन ऑर्गेनिज्म भी इसमें आते हैं। केमिकल स्टिमुलस सेंसरी ऑर्गन्स, अभी देख लो क्या हो सकता है, कौन सा ऑर्गन इसके साथ कनेक्शन में हो सकता है। नहीं समझे? अच्छा, मान लो आपको कुछ चीज अच्छी नजर आ रही है और वो आगे जा रही है, आपकी नजर हटा के कहीं तो और चली गई, तो आप क्या करोगे? मुझे वो चीज देखनी है तो उसके पीछे पीछे जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, किचन में से अगर कुछ अच्छा स्मेल आ रहा है तो आपकी मूवमेंट टुवर्ड्स द किचन होगी, राइट? तो ये दो एग्जाम्पल है। कीमोटैक्सिस मतलब व्हाट? एक केमिकल सब्सटेंस आपको स्टिमुलेट करता है फॉर द मूवमेंट, दैट इज नथिंग बट कीमोटैक्सिस। चलो नेक्स्ट, ड्रग्स फॉर एक्यूट गाउट। तो ड्रग्स है, पहला है एनसेस, क्या है फुल फॉर्म? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। परफेक्ट, पहला है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, सेकंड कोल्चिसिन, थर्ड वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। चलो वन बाय वन देखते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इसमें कौन से है? पहला है नेप्रोक्सेन, दूसरा है पिरोक्सिकैम, तीसरा है डाइक्लोफिनेक, चौथा है इंडोमिथासिन, पांचवा है इटोरिकॉक्सिब। अभी इसके लिए शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाना है ये आप दिमाग यूज करोगे, इस बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? चलो, तो ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है ये काम कैसे करता है, उसमें एग्जांपल है नेप्रोक्सेन एंड पिरोक्सिकैम, दोनों की बात करते हैं। दे स्पेशली स्पेसिफिकली इनहिबिट कीमोटैक्टिक माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इनटू द इन्फ्लेम जॉइंट्स। वो क्या करते हैं, हमारे ल्यूकोसाइट्स को, जिसको हम कहते हैं WBCs, जिनकी मूवमेंट किसकी वजह से होने वाली है, मैसेज की वजह से। वो मैसेज कौन देने वाला है? साइनोवियल सेल्स। अगर साइनोवियल सेल्स का मैसेज ल्यूकोसाइट तक आए ही नहीं तो क्या ल्यूकोसाइट को पता चलेगा क्या कि वहां पे जाना है? नहीं पता चलेगा। तो नेप्रोक्सेन एंड पिरोक्सिकैम कैम क्या करते हैं, दे विल इनहिबिट द दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस टुवर्ड द ल्यूकोसाइट। तो वो स्टिमुलस ल्यूकोसाइट तक आएगा ही नहीं, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट जॉइंट की ओर जाएंगे ही नहीं।
एंड दे आर क्वाइट इफेक्टिव इन टर्मिनेटिंग द अटैक. वो इफेक्टिव है बट दे टेक 12 to 24 hours, 12 घंटे से लेकर 24 hours तक वो टाइम लेते हैं. तो ये टाइम देख के आपको क्या लगता है, रिस्पॉन्स बहुत स्लोअर है तो आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स सेकेंडरी रहेंगे, उनको हम एज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है आपके पास, कोल्चिसिन, बट दे आर जनरली बेटर टॉलरेटेड. मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स पेशेंट इजिली एक्सेप्ट कर पाता है, उसके उतने साइड इफेक्ट्स नहीं है. बट कोल्चिसिन जो है इसके पैरामीटर थोड़े अलग है, जैसे कि इट इज एन अल्कोलॉइड फ्रॉम कोल्चिकम ऑटमनेल फैमिली. बोला फैमिली का है, लिलियासी है, करेक्ट. चलो नेक्स्ट, दिस ड्रग इज नाइदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इंफ्लेमेटरी. क्या आप इन दो वर्ड का मीनिंग बता सकते हो मुझे, एनाल्जेसिक क्या होता है एंड एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है? तीन वर्ड्स है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी. एनाल्जेसिक पेन रिलीफ करता है, एनाल्जेसिक पेन को रिलीफ करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी उसका भाई है जो इंफ्लेमेशन को कम करता है. तो एंटीपायरेटिक क्या है, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर. रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर. देन व्हाट आर पाइरोजेंस, व्हाट आर पाइरोजेंस? चलो यस लिखो, द केमिकल एंटिटी विच कॉजेस फीवर, द केमिकल एंटिटी विच कॉजेस फीवर, द केमिकल एंटिटी विच कॉजेस फीवर इज कॉल्ड एज पाइरोजेन, इज कॉल्ड एज पाइरोजेन. अभी पता चला क्यों हम पैरासिटामोल को एंटी पायरेटिक कहते हैं, क्योंकि वो पायरोजन की वजह से होने वाला फीवर कम कर देता है. चलो आगे बढ़ते हैं. बट इट इज स्पेसिफिकली सप्रेस द गाउटी इंफ्लेमेशन. ओके, कोल्चिसिन ना एनाल्जेसिक है ना एंटी इंफ्लेमेटरी है, बट ये क्या करता है, इंफ्लेमेशन को सप्रेस करता है, उसकी इंटेंसिटी कम कर देता है. इट डज नॉट इनहिबिट द सिंथेसिस एंड डज नॉट प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. ना ये यूरिक एसिड का सिंथेसिस बंद करेगा ना उसका एक्सक्रीशन बढ़ाएगा, एंड दस इट हैज नो इफेक्ट ऑन ब्लड यूरिक एसिड लेवल. इसका ब्लड यूरिक एसिड लेवल के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं है. फिर भी ये काम कैसे करता है, कोल्चिसिन डज नॉट अफेक्ट फैगोसाइटोसिस ऑफ यूरेट क्रिस्टल. ये जो हमारे WBCs है जिसमें जो न्यूट्रोफिल्स की कैपेसिटी है फैगोसाइटोसिस करने की, तो उसके साथ भी इसका कोई कोरिलेशन नहीं है. बट इट इनहिबिट रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स एंड ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स. मैकेनिज्म में जाते हैं फिर से. हाँ, यहाँ पे हमने क्या बोला था, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर माइग्रेशन होता है, फिर फैगोसाइटोसिस होता है, एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. तो ये जो स्टेप नंबर टू है इसे वो बंद कर देता है कुछ समय के लिए, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रहा था वो रुक जाता है. मीटिंग एक मिनट से भी कम है, हम फिर से ज्वाइन कर लेते हैं. अरे बोला कि आवाज देते कने? यस सर. ओके. तो ये इमेज देख के आप क्या गेस कर सकते हो, नैप्रोक्सेन एंड पिरोक्सिकैम, वो जो मैसेज आने वाला है जॉइंट के पास इन्फ्लेमेशन के लिए उसे रोक देता है. वो कैसे बोल रहा है, गेट लॉस्ट, मतलब वो अवॉइड कर रहा है, तेरी एंट्री अगर होगी तो जॉइंट डिस्टर्ब होगा, तुझे अंदर आने ही नहीं दूंगा. दैट्स द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. इसके बाद जो हम देख रहे थे कोल्चिसिन, अब ये कोल्चिसिन कर क्या रहा है, कीमोटैक्टिक फैक्टर का रिलीज, मतलब वो जो मैसेज ट्रांसफर होने वाला था फॉर द जनरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स उससे पहले बंद करता है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन का रिलीज भी बंद करता है. तो इससे क्या होगा, कोई भी मैसेज प्रोड्यूस नहीं होगा एंड कोई भी मैसेज सेंड भी नहीं होगा. इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेमेशन हो रहा था धीरे धीरे करके कम होने लगेगा. बट दिस इज नॉट द परमानेंट ट्रीटमेंट. इससे आप क्या कर रहे हो पता है, सिर्फ और सिर्फ उस इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हो,
लेकिन यूरिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म या उसका डिस्ट्रक्शन जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है, वो हम आगे देखने वाले हैं। बाय बाइंडिंग टू द फिब्रिलर प्रोटीन ड्यूबुलिन इट इनहिबिट ग्रैनुलोसाइट माइग्रेशन इन टू द इनफ्लेम जॉइंट। तो इसका और एक मैकेनिज्म है कि एक हमारे सेल में सेल के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ट्यूबुलिन, तो वो उसको इनहिबिट कर बाइंड करता है और उसको बाइंड करके वो ग्रैनुलोसाइट्स का माइग्रेशन टुवर्ड द इन्फ्लेम जॉइंट बंद करने वाला है। यहाँ पे सिंपल सी एक ही चीज है, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को जॉइंट की ओर मूवमेंट नहीं करने देना है, उनको बोलना है जहां पे हो वहां पे ही बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे आने की। नेक्स्ट पॉइंट फार्माकोकाइनेटिक्स, कोल्चिसिन इज रैपिडली एब्जॉर्ब ओरली, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, पार्टली मेटाबोलाइज इन लिवर, उसका मेटाबोलिज्म लिवर में ज्यादा नहीं थोड़ा अमाउंट में होता है, एक्सक्रीटेड इन द बाइल। इससे पहले हम कहीं पे तो देखे थे बिलियरी एक्सक्रीशन, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं, बट लिवर अगर बोलता है कि मेरे पास कैपेसिटी फुल हो चुकी है तो वो गॉल ब्लैडर को बोलता है कि तू क्या कर, बाइल के थ्रू एक्सक्रीशन कर, दैट इज नथिंग बट बिलियरी एक्सक्रीशन। तो कॉल्चिसिन का एक्सक्रीटरी रूट क्या है, बिलियरी एक्सक्रीशन एंड अंडर गोज एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। इसका मीनिंग मैंने लास्ट टाइम बोला था, किसी को याद है व्हाट इज एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन? लावा डोको लावा डोको लावा, आठवा आठवा आठवा, हाँ लागले गूगल करेला लगे। चलो लिखो एंटेरो हिपैटिक वर्ड लिखो और उसे हम तोड़ने वाले अभी, एंटेरो हिपैटिक, उसके आगे लिखो पहला वर्ड एंटेरो, पहला वर्ड लिखो एंटेरो, उसका मीनिंग है इंटेस्टाइन, उसका मीनिंग है इंटेस्टाइन। हिपैटिक का मीनिंग क्या होता है, पैनक्रियाज या किडनी? लिवर, लिवर। तुमचा आवाज येत नाही, पुन्हा बोला एकदा, मला आवाज क्लिअर नाही आला। लिव्हर, एक मिनिट हा कार्तिक, माझं माईक कनेक्शन चेक करते, मला प्रॉपर आवाज येत नाही, होल्ड ऑन। हा कार्तिकी, रिपीट रिपीट, लिव्हर करेक्ट। चलो लिखो हिपैटिक मीन्स लिवर, हिपैटिक मीन्स लिवर। सर्कुलेशन को सबको पता है, अभी ये एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन का पूरा मीनिंग बता, दो वर्ड्स का मीनिंग तो आ गया आपके पास। क्या हो सकता है एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन? चला प्रयत्न करा, चुकलं तर चुकू द्या, बोला तरी तुम्ही बोलता आलं पाहिजे। आगले गुगल करायला परत। चलो लिखो सर्क्युलेशन असोसिएटेड विथ सर्क्युलेशन सर्क्युलेशन असोसिएटेड विथ इंटेस्टाइन अँड लिव्हर, इंटेस्टाइन अँड लिव्हर, इंटेस्टाइन है लिवर, उसको हम कहते हैं एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है कनेक्टेड, वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आप जो कुछ भी खाते हो ना, वो पहले इंटेस्टाइन से होकर लिवर के पास चला जाएगा, क्योंकि लिवर हमारे बॉडी का ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो ब्लड को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचने से पहले फिल्टर आउट करता है कि उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है या नहीं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलो अभी आगे जाते हैं। अल्टीमेटली अल्टीमेट डिस्पोजल ऑकर्स इन द यूरिन एंड फीसेस ओवर मेनी डेज, मतलब ये ड्रग बॉडी में बहुत लंबे समय तक रह सकता है, इसका एक्सक्रीशन यूरिन में एंड फीकल मैटर के थ्रू होता है। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट इज बाइंडिंग ऑफ द कोल्चिसिन टू द इंट्रासेल्युलर ट्यूबुलिन कंट्रीब्यूट टू इट्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्लो एलिमिनेशन। अभी ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये कॉन्सेप्ट हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। जब भी आप कोई ड्रग कंज्यूम करते हो, उसमें से कुछ अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ बाइंड होने लगता है।
और जब ड्रग आपके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो वो ब्लड वेसल को क्रॉस करके टिश्यू में नहीं जा सकता। तब जो ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में बैठा रहता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना ज़्यादा डिपोजिशन ब्लड में रहेगा उतना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा एंड स्लो एलिमिनेशन, क्योंकि जब तक ब्लड वेसल को क्रॉस नहीं करता ड्रग तब तक वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो ये सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको बायोफार्मास्यूटिक्स में पता चलेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो, कोल्चिसिन बाइंडिंग ऑफ द कोल्चिसिन टू द इंट्रासेल्युलर ट्यूबुलिन कंट्रीब्यूट्स टू इट्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये ड्रग हमारे बॉडी में एंटर कर पाता है एंड हमारे टिश्यू में जो ट्यूबुलिन प्रेजेंट है उसके साथ अगर इंट्रैक्शन उसका होता है तो वो बॉडी से इजिली एक्सक्रीट नहीं होगा, वो बॉडी में डिपॉजिटेड फॉर्म में रहेगा एंड दैट इज नथिंग बट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्लो एलिमिनेशन। आगे जाते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ सी वाई पी थ्री ए फोर रिटार्ड कोल्चिसिन मेटाबॉलिज्म एंड एनहांस इट्स टॉक्सिसिटी। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम है जो कोल्चिसिन को मेटाबोलाइज करता है, अगर इसको आपने ब्लॉक कर दिया तो कोल्चिसिन आपके बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा एंड ड्रग आपके बॉडी में अननेसेसरली आके बैठ जाता है तो वो आपको टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा। चलो नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी इज हाई एंड डोज रिलेटेड। अभी ये कौन से टॉक्सिसिटीज है, नौशिया, वॉमिटिंग, वाटरी और ब्लडी डायरिया, एबडोमिनल क्रैम्स एट डोज लिमिटिंग एडवर्स इफेक्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू डोज ये सारे एडवर्स इफेक्ट है, कम डोज पे आपको माइनर एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे, ज्यादा डोज पे आपको थोड़े सीवियर एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ दिस ड्रग इन इंटेस्टाइन कॉजेस टॉक्सिसिटी। अगर इंटेस्टाइन में ये ड्रग डिपॉजिट होने लगा तो वहां पे वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। अगर ओवरडोज हो गया तो वो आपके किडनी को खराब कर देगा, ब्रेन को खराब कर देगा, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग होगी। कैन आई कॉल इट एज अ पेप्टिक अल्सर और ड्यूओडेनल अल्सर? इंटेस्टिनल ब्लीडिंग मतलब पेप्टिक और ड्यूओडेनल? पेप्टिक सर। पेप्टिक, पेप्टिक, ड्यूओडेनल। पेप्सिन कुठे रिलीज होतं ते सांगा। चला मग आपण पुढे जाऊया। पेप्सिन इंटेस्टाइन मध्ये रिलीज होतं की स्टमक मध्ये? स्टमक, करेक्ट। तो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग अगर बात हो रही है तो वो ड्यूओडेनल अल्सर्स की बात हो रही है एंड डेथ ड्यू टू मस्कुलर पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी फेल्योर। कोल्चिसिन जितना अच्छा है उतना ही बुरा है अगर इसका ओवरडोज कोई करेगा तो, क्योंकि इसमें आपके नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज अपनी यूरिनरी सिस्टम, इनको डैमेज होने के चांसेस है। नेक्स्ट, क्रॉनिक थेरेपी, लंबे समय तक अगर आप कोल्चिसिन को एडमिनिस्टर करते हो तो वो आपके लिए रिकमेंडेटेड नहीं है बिकॉज इट कॉजेस अप्लास्टिक एनीमिया। बताओ मैंने क्या है अप्लास्टिक एनीमिया? फर्स्ट लेक्चर क्यों होता है अप्लास्टिक एनीमिया? ऑप्शन वन, ऑप्शन दे दी, ये बता पाओगे? रेड बोन मैरो डिफिशिएंसी। करेक्ट। अगर आपका रेड बोन मैरो किसी वजह से खराब हो जाता है तो अच्छे से आरबीसी नहीं बनेंगे और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसे हम कहते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। सेकंड वन इज अग्रेन्युलोसाइटोसिस। इसका मीनिंग ये होता है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इनकी क्वांटिटी आपके बॉडी में जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बनती, दैट इज कॉल्ड एज अग्रेन्युलोसाइटोसिस। देन मायोपथी, ये तो हम बार बार देख चुके हो, मायो मीन्स मसल, पथी मीन्स पेन, मसल का पेन, एंड लॉस ऑफ हेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लॉस ऑफ हेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पता है किसी को क्या है इसका? हाँ बोल बोल, ऐकलं नाही? एलोपेशिया, एलोपेशिया, राइट डाउन, लॉस ऑफ हेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोपेशिया, loss of hair is also called as alopecia, loss of hair is also called as alopecia। चलो तो कोल्चिसिन का यूज क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, कोल्चिसिन इज द फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग टू कंट्रोल एन एक्यूट अटैक ऑफ द गाउट। तो एक्यूट अटैक अगर आपको कंट्रोल करना है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो आपके पास बेस्ट जो ड्रग है वो है कोल्चिसिन। भले ही हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं लेकिन हम उन्हें नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनका
कुछ अलग प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? कि उनको इफेक्ट दिखाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। कॉल्चिसिन इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम है ओवरडोसिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अभी इसका पॉइंट क्या है? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। क्या होता है मीनिंग? इंट्रा आर्टिकुलर का मीनिंग क्या है? चलो ढूंढ के बताओ, नहीं पता तो। इन द जॉइंट, करेक्ट, लिखो। इंजेक्शन बिटवीन, इंजेक्शन बिटवीन द जॉइंट्स, इंजेक्शन बिटवीन द जॉइंट्स। तो अगर आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए तो आप वहां पे इंजेक्शन दे दो जहां पे पेन हो रहा है। आप सिस्टमिक सर्कुलेशन में दोगे, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन से वो जॉइंट तक आएगा, फिर इफेक्ट दिखाएगा। कितना टाइम लगेगा उसके लिए? तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ सोल्यूबल स्टेरॉइड सप्रेसेस सिम्टम्स ऑफ एक्यूट गाउट। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अगर कुछ ड्रग आप एडमिनिस्टर करते हो डायरेक्टली एट द साइट ऑफ इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन, तो आपको वहां से पेन से राहत मिल सकती है। सेकेंड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। जिसका न्यूक्लियर रिसेप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उसका ये मैकेनिज्म क्लियर है। क्या होगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंटरैक्ट विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। ये ड्रग पहले तो सेल मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस करता है क्योंकि ये हाईली लिपोफिलिक होता है। सेल मेम्ब्रेन में आने के बाद साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ होता है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। वो मस्त कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्वागत करता है और उसको लेके डीएनए के पास चला जाता है। डीएनए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर तीनों की बातचीत होती है और वो डिसाइड करते हैं कि हमें एक ऐसा प्रोटीन बनाना पड़ेगा या ऐसे सिस्टम को बंद करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। तो ऑप्शन है उनके पास, ऑप्शन वन ऐसा प्रोटीन बनाओ जिससे इन्फ्लेमेशन कम होगा, या दूसरा ऑप्शन उन प्रोटीन का सिंथेसिस बंद कर दो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। तो उन्होंने डिसीजन क्या लिया? इनहिबिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन होते हैं? इंटरल्यूकिंस, साइटोकाइनिंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिंस। लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, साइटोकाइनिंस, साइटोकाइनिंस सेकेंड इंटरल्यूकिंस। एग्जाम्पल्स ऑफ इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, पहला एग्जाम्पल साइटोकाइनिंस, सेकेंड इंटरल्यूकिंस एंड थर्ड वन इज प्रोस्टाग्लैंडिंस। प्रोस्टाग्लैंडिंस तो ये तीन चीजें होती है मेनली जो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स में काम करते हैं, जिनका दूसरा नाम है ऑटोकॉइड्स। ब्रैकेट में लिखो ऑटोकॉइड्स, AUTO ऑटो COIDS ऑटोकॉइड्स। तो मैकेनिज्म क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड सेल के अंदर आया, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बातचीत की, वो दोनों चले गए डीएनए के पास, डीएनए और इन दोनों ने मिलकर डिसीजन क्या लिया? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का रिलीज कम करना है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे? एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, तुरंत मैसेज दे देंगे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को, अपना सिंथेसिस बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। सो दैट इज अ सिंपल मैकेनिज्म ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन प्रिपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ क्रिस्टलाइन प्रिपरेशन एंड फॉर्म भरायचा आहे? ऋषिकेश घाटकर, तुझा फॉर्म मी भरू? ओके चला, मूड चांगला आहे माझा। क्रिस्टलाइन प्रिपरेशन वर्सेस सोल्युबलाइज फॉर्म ऑफ द ड्रग, इसमें डिफरेंस क्या है? और आपको एक चीज याद रखनी है, गाउट का इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है वो बहुत सीवियर है। अब आप क्रिस्टलाइन फॉर्मुलेशन दोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है,
क्रिस्टलाइन वर्सेस एमोर्फस, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? नहीं समझे? ओके मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, आपके पास शुगर का एक बड़ा वाला क्यूब है, एंड सेकंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास शुगर के छोटे छोटे दाने, इनमें से सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? छोटे छोटे दाने। हाँ, तो क्रिस्टलाइन प्रिपरेशन अगर आपने दिया, प्रॉब्लम क्या होगा, वो क्रिस्टलाइन प्रिपरेशन को पहले डिजोल्व होने के लिए टाइम लगेगा, डिजोल्व होने के बाद वो अपना एक्शन दिखाएगा, तो तब तक वो पेशेंट क्या बैठा रहेगा क्या? वो तो चिल्लाता रहेगा कि मुझे पेन हो रहा है, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो मेडिसिन। तो क्रिस्टलाइन प्रिपरेशन हम इस केस में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसका डिसएडवांटेज ये है वो टाइम लेगा फॉर द ट्रीटमेंट, उससे अच्छा हम डायरेक्टली सोल्युबलाइज फॉर्म में ड्रग दे देते हैं तो वो अच्छा रहेगा। सिस्टमिक स्टेरॉइड्स आर रेयरली नीडेड। अभी सिस्टमिक स्टेरॉइड का रेयर यूज क्यों है वो मैंने पहले ही बता दिया, आप डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे इंजेक्शन दे देते हो, तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के जो सिम्टम्स है वो कम हो जाएंगे। आप ब्लड में दोगे, फिर ब्लड जॉइंट में आएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर इफेक्ट दिखाएगा, वो बहुत लंबी प्रोसीजर है। दैट्स व्हाई सिस्टमिक स्टेरॉइड्स आर रेयरली नीडेड एंड दे आर हाईली इफेक्टिव एंड प्रोड्यूस नियरली एज रैपिड एज रिस्पॉन्स एज कोल्चिसिन, बट आर रिवर्स रिजल्ट फॉर द पेशेंट विद द रीनल फेलियर एंड हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो सिस्टमिक स्टेरॉइड का हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बट वो इफेक्टिव है, बट वो कुन के लिए इफेक्टिव है जिनको रीनल फेल्यूर की प्रॉब्लम है या पेप्टिक अल्सर्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए हम वो रिजर्व करेंगे, क्योंकि उस केस में कोल्चिसिन नहीं दे सकते अगर किसी को रीनल फेल्यूर है या पेप्टिक अल्सर के चांसेस है। तो ये जस्ट था कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल है प्रेडनिसोलॉन, जो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी का। बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे। तो आज के सेक्शन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। कार्तिक अटेंडेंस है।